नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। पांच की आंच देखना शुरू कर चुके हैं आप। मध्य प्रदेश में कल तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। पहले दो चरण में मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में कम हुआ, ऐसे में अब तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन नए नए प्रयोग कर रहा है। राजनीतिक दल भी मतदान प्रतिशत घटने को लेकर चिंतित है। तो मध्य प्रदेश में 7 मई यानी कल तीसरे चरण का मतदान होना है और प्रदेश में गर्मी का सितम भी बढ़ा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर पारा 40 को पार कर चुका है। ऐसे में एक बार फिर वोटिंग परसेंटेज को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले दो चरणों की तरह इस बार भी अगर वोटिंग परसेंटेज क्या कम रहने वाला है। हालांकि इसे लेकर प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, मतदाताओं से अपील की जा रही है, साथ ही प्रशासन की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ऑफर तक दिया जा रहा है। आपका अधिकार, सारी व्यवस्था आपके लिए, जमहूरियत आपके लिए और ऑफर भी आपको चाहिए। क्या क्या ऑफर मतदाताओं को दिए जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वोटिंग की। बीते दो चरणों में जो वोटिंग का परसेंटेज है उस पर अब एक नज़र हम डालेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो दो चरण हुए हैं उसमें मतदान का जो परसेंटेज है वो डाउन हुआ है। एक रीज़न ये गिनाया गया, पहले ये देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए से समझ लीजिए कि वोटिंग परसेंटेज की क्या स्थितियां रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव पहले चरण की बात करेंगे, 67.75% वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, तब गर्मी उतना नहीं सता रही थी। दूसरे चरण की बात कर ली जाए, 58.59, फर्स्ट डिविजन से 0.9 कम, और यही दरअसल चिंता की बात है। 2024 में जो दो चरणों में चुनाव हुए हैं ये किस तरह के रहे हैं, ये हो गई 2024 की बात। लेकिन हिस्ट्री अगर देखा जाए, पुराने इतिहास में अगर जाया जाए तो क्या परसेंटेज थे। 2019 लोकसभा चुनाव पहले चरण की वोटिंग 75.23% तक यहां पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में वोटिंग गई 67%, यानी अगर 2024 से इसकी तुलना की जाए तो ये बहुत 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 बेहतर वोटिंग परसेंटेज है। इसकी अलग अलग वजह गिनाई गई लोकसभा चुनाव में कि शादी ब्याह का सीजन था। पहले और दूसरे चरण को आप ऐसे समझ लीजिए, एक साथ समझ लीजिए। पहला चरण 2024 67%, 2019 में 75% था। दूसरा चरण 2024 का 58.59, जो 0.59 से फर्स्ट डिवीजन आने से रुके हुए वो इस तकलीफ को समझ सकते हैं। 58.59% 2019 में यह आंकड़ा 67% था। ये दो हमने आपको बताया, और एक साथ मतदान कम क्यों, उसकी क्या वजह है, गर्मी है, नाराजगी है, शादी है, अन्य कारण है, एक और के राजनीतिक दल जो है क्या वो लेकर नहीं आ पा रहे हैं, प्रशासन के अपने दावे हैं, मतदाता के मन में क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर कम वोटिंग की बात की जाए तो इस तरह के कुछ रीजन आपको नजर आते हैं। गर्मी की बात कर ली जाए, सबसे बड़े कारण के तौर पर गर्मी निकल कर आ रही है और मध्य प्रदेश के कई ज़िले हैं तपन बढ़ रही है, सियासी तपन भी है, ऐसे में इसका मतदान पर असर पड़ा भी है और देखा भी जा सकता है। बढ़ती गर्मी के कारण मतदाताओं का उत्साह वोटिंग को लेकर कम हुआ है। मध्य प्रदेश के इन शहरों का तापमान देख लीजिए, जहां सियासी पारा 50 के पार जा चुका है और सूरज का पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। यह भी एक बड़ी वजह है किस तरीके का तापमान है। ग्वालियर 40 डिग्री है, दतिया 39 डिग्री सेल्सियस है, दमोह 38 डिग्री सेल्सियस है, सतना 39 डिग्री सेल्सियस है। ये तब स्थितियां हैं जब मौसम में अभी परिवर्तन चल रहा है, ज्यादातर जगहों पर 40 के पार। जबलपुर की बात कर ली जाए 38 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 35 डिग्री सेल्सियस, गुना 36 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 34 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो जो वीडी शर्मा साहब की सीट है, जहां एक तरह वॉकओवर जैसी स्थितियां हैं वीडी शर्मा के लिए, वहां पर हर बार गर्मी में रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वहां पर पड़ती है। यह भी एक बड़ी वजह है। और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया, कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। इस बार गर्मी बहुत मारेगी, 7 शहरों में पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। इंदौर उज्जैन संभाग में घनघोर गर्मी है, ये मालवांचल है, और इस वोटिंग का सीधा असर इस पर पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि कई जिलों में तो बारिश होगी, उसमें छिंदवाड़ा एक शामिल है, महाकौशल के कुछ इलाके शामिल है, और वहीं जो मालवा इलाका रहेगा इसमें इंदौर है, उज्जैन है, वहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।
सात शहरों में पारा 42 डिग्री के पार है, इंदौर उज्जैन संभाग, और जाहिरा तौर पर इसका जो असर रहेगा वो वोटिंग पर पड़ता नजर आ सकता है। लेकिन लेकिन आप घरों से बाहर निकले, क्योंकि आज अगर ये मौका आपने चुका दिया तो फिर आगे आप हक अपना नहीं मांग पाएंगे। अभी देखा गया है तो नॉर्थर्न एमपी में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कल के हिसाब से कल उधर हीटवेव का चांसेस नहीं है, लेकिन दतिया ग्वालियर शिवपुरी वो रीजन में टेम्परेचर थोड़ा सा 42-43 रेंज में चल रहे हैं। हीटवेव अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं, मतलब चेतावनी दे रही हूँ, लेकिन एक और एक दिन के बाद दे रही है। और भोपाल के हिसाब से देखा गया तो यहाँ पे अभी ड्राई वेदर ही परसिस्टिंग है, टेम्परेचर 40 की रेंज में ही। और भोपाल और विदिशा दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दिनेश हैं, दिनेश के पीछे तो कुछ लोग भी मौजूद हैं। और प्रशांत, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, गर्मी बड़ी चुनौती है, सियासी गर्मी तो बढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा सूरज भी इम्तहान ले रहा है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, सूरज भी इम्तहान ले रहा है, और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ है, 42 के आसपास टेम्परेचर आ पहुंचा है, और पिछली बार कई वजह रही, शादी ब्याह भी रहा और टेम्परेचर भी रहा। इस बार हम लोगों से ज़रूर बात करेंगे, चूंकि अब थर्ड फेज है और भोपाल में भी वोटिंग होनी है, क्या लोग कहते हैं, क्या लोगों के जहन में है, मतलब भोपाल में इस बार वोटिंग होनी है, क्या विचार है लोगों, लोग फर्स्ट और सेकेंड फेज में वोटिंग कम हुई है, वोट देने जाएंगे आप? वोट जरूर देने जाएंगे, और वोट देना हम लोगों का सबका अधिकार है। और जो पहले जो वोटिंग कम हुई है, मुझे नहीं लगता कि भोपाल में ऐसा कुछ माहौल है, भोपाल में वोटिंग बहुत जोर से होने वाली है और आगे भी होगी, सभी लोग वोट देने जाएंगे और सबका अधिकार है। गर्मी तो असर नहीं डालेगी? गर्मी कोई असर नहीं डालेगी, शासन प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं की हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पानी की टेंट वगैरह लगा के रखा हुआ है, मेडिकल के लिए, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी है, सरकार ने काफी अच्छा प्रबंध किया हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं वो वोटिंग करेंगे, जैसा भी होगा अपना करेंगे वोटिंग, लेकिन वोटिंग जरूर करनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश में जो चुनाव मतलब सरकार बनेगी उससे हमारा भला होगा, जो हमारे मतलब विकास होगा, और विकास हो रहा है जी। जो हमारी सरकार विकास करवा रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ। नहीं, एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक वोट महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्या मानते हैं आप? सर, वोट तो डालना चाहिए, हर पर्सन को डालना चाहिए, बाकी ऐसा है कि जो बाहर के लोग गए हैं बाहर, तो उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि वो जहाँ जिस जगहों पर है वो वहाँ पर भी वोटिंग कर सके जी। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, यूथ जब बाहर जा रहा है अगर कहीं काम करने या पढ़ाई करने, तो उसके साथ बड़ी समस्या है, चिंता है, लेकिन इस बार यूथ का वोट भी कम हुआ है सेकंड फेज फर्स्ट फेज में? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि बाकी जो स्टूडेंट है वो बाहर ही रहते हैं ना, उस टाइम में वोटिंग के लिए वो आ नहीं पाते, तो उनको अवेलेबल करवाना चाहिए वहाँ पर, कि वहाँ पर वो अपनी वोटिंग दे सके। प्राइवेट कंपनियां हैं, उनमें छुट्टी छुट्टी वगैरह अप्लाई करनी चाहिए, छुट्टी का। ललित, मैं एक और शख्स हमारे साथ है, उनसे बात कराता हूँ जी, आइएगा थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। वोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वोट कीमती है, लेकिन जी हाँ जी, एक एक वोट कीमती है जी, जी बिल्कुल कीमती है, क्योंकि आज जब हम लोग वोट देते हैं तो हम हमारे लिए तब हम हमारे लिए सरकार चुनते हैं लेकिन कई लोगों के मेंटेलिटी क्या होती है कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा जी। लेकिन मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि सभी वोट करें, वोट करने से ही आपका देश बदलेगा और आपकी लाइफ बदलेगी जी। अच्छा, एक माइंडसेट ये लोगों का हो जाता है कि भाई मेरे एक वोट से क्या बदलने जा रहा है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि लोगों का यही है कि मेरे एक वोट ना देने से किसी का क्या बिगड़ना है जी। लेकिन जी। वो जानते नहीं कि एक वोट से कहाँ से क्या सेशन पलट सकता है पूरा जी। ललित बिल्कुल, और ये मार्के की बात है, हालांकि हम और भी चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी प्रशांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। थोड़ा और तापमान को लेकर, मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने खास अरेंजमेंट किए हैं ताकि इन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें बताया गया कि गर्मी के चलते पोलिंग को लेकर खास अरेंजमेंट किए गए हैं, मतदान केंद्रों पर मिनी आईसीयू की तरह पूरी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज में किया था वो तो करेंगे ही, उसके अलावा भी हम लोग लगातार जैसे चले बूथ की ओर अभियान थर्ड फेज के लिए पहली तारीख से कर रहे हैं, फोर्थ फेज के लिए भी कर रहे हैं, तो प्रयास ये है कि लगातार बूथ पे एक सप्ताह तक कोई न कोई गतिविधि की जाए
लोगों से संवाद किया जाए, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि जाएं और वोट करें। मतदाताओं को जहां पे कल जरूर एक लोकल इनिशिएटिव है, पिछली बार भी किया गया रैपिडो के माध्यम से, तो उनकी प्रेजेंस सभी जगह नहीं है, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में है, वहां पे मतदाता को मतदान के बाद अपने अपने स्तर पर हर कोई प्रयास भी कर रहा है। आगर मालवा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन ने एक पहल की है, नवाचार किया है, इनिशिएटिव लिया है। जिला प्रशासन ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर लकी ड्रॉ खोलने का फैसला किया है। इसमें पोलिंग पर आने वाले 100 मतदाताओं में से लकी ड्रॉ के जरिए तीन का चयन किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने यह पहल की है। साथ ही शहरी इलाके में मतदान केंद्रों पर दोपहर में छाछ का वितरण किया जाएगा। हर मतदान केंद्र पर छाया की व्यवस्था किया है, शीतल जल की व्यवस्था की है, और अभी एक जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में मतदान केंद्र जो शहरी क्षेत्र है वहां पर छाछ की व्यवस्था भी की है। तो साची पॉइंट से छाछ वगैरह भी जो मतदाता आएंगे उनको छाछ की व्यवस्था की है, और इसी के साथ में मेडिकल किट भी रहेगा ताकि अगर कई मतदान कर्मी अधिकारी कोई अगर प्रभावित होता है गर्मी से तो उसके लिए सारी व्यवस्था है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अलग अलग तरीके से अपने लेवल पर लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। कई संस्थान हैं जिन्होंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर अच्छी पहल की है। तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। भिंड में होटल संचालकों का कहना है, वोट देकर आओ, उंगली दिखाओ, खाने में 10% का कंसेशन पाओ। व्यापार मेले में झूले पर प्रति टिकट 10 रुपए की छूट दी जाएगी। डॉक्टर्स ने भी अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को छूट दी है। इसके लिए वोट करने के बाद अपनी जो उंगली है स्याही वाला चिन्ह दिखाना होगा। भिंड मेले में जो छूट हमने दी है 7 दिन के लिए, 7 दिन में छूट चलेगी। एक तो मेले के जितने झूले हैं उनको 10 रुपए पर टिकट में कम होगा सिर्फ मतदान को उंगली दिखाने पर। दूसरा, हमारे व्यापारियों ने भी कई चीजों में छूट कर दी है। और लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले चुनाव बहिष्कार का एक मुद्दा मुरैना जिले में गरमाया हुआ। गांव में सड़क और स्कूल नहीं है, इसके चलते पहाड़गढ़ ब्लॉक की सैथरी पंचायत के समूचे ग्रामीणों ने, गांव वालों ने रोड और पानी नहीं, स्कूल नहीं तो वोट नहीं का नारा घर की दीवारों पर लिख रखा है। मतदान बहिष्कार की खबरों के बाद जिला प्रशासन के अफसर पहुंचे हैं, गांव वालों को समझाया जा रहा है। अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, पर कोशिश की जा रही है कि ये वोट देने जाए। हमारे ये जो पोलिंग बूथ है, वोट डालने के लिए जाते हैं तो 3.5 और 4 किलोमीटर की दूरी है, तो महिलाओं को होने वाली दिक्कत और पुरुषों को होने वाली दिक्कत, सभी वोटरों को होने वाली दिक्कत, मेन कारण रोड। दूसरी समस्या कि हरिगानपुरा और कटेलापुरा दोनों गाँव के बच्चे अनपढ़ रह जा रहे हैं क्योंकि कोई स्कूल नहीं है। तो हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8th क्लास तक तो मिडिल स्कूल तो चाहिए ही चाहिए। अब रोड की वजह से एक तो हमारी प्रसूति महिलाएं बेसमस्या है, बहुत जटिल है, क्योंकि मोटरसाइकिल से ले जाते हैं तो डिलीवरी मोटरसाइकिलों पर ही हो जाती है, कटिया पर ले जाते हैं डम्बरी डम्बर तक तो कटिया पर ही डिलीवरी हो जाती है। वो जानकारी कुछ मुझे मिली है, पता नहीं अपुष्ट जानकारी है या पुष्ट जानकारी है, उनकी स्कूल वगैरह की कुछ मांगे हैं ऐसी जानकारी मिली है। हमारी स्वीप टीम वहाँ रवाना हो गई है और ऐसा नहीं होगा, सभी मतदान करेंगे, समझा बुझाकर उन्हें समझाया जा रहा है। तो दोनों तरह की हमने आपको खबर दिखाई, किस तरह से कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ हैं जो इस मौके को शायद भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुरैना के गांव की भी तस्वीर आपने देखी, और भोपाल से सहयोगी प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर प्रशांत के पास चलेंगे। प्रशांत, हमने दो तरह की खबरों का अभी जिक्र किया, एक तो कुछ लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापार मेले वाले हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, 10% का कंसेशन दिया जाएगा जो वोट करके आएगा। मुरैना की एक तस्वीर और भी है जहां गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है कि रोड, स्कूल और सड़क चाहिए, नहीं तो वोट नहीं। ये दो तस्वीरें प्रशांत। बिल्कुल, आपने दो तस्वीरों का जिक्र किया, दो अलग अलग पहलुओं का जिक्र किया। ये वाकई में हालांकि अगर काम नहीं है लेकिन कम से कम अपना वोट करके सही संदेश तो आप दे ही सकते हैं, और दूसरा ये कि दूसरी तरफ लोग उत्साहित भी कर रहे हैं लोगों को। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या लोगों के मन में है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, भोपाल
में कल वोटिंग है भाई साहब, वोटिंग है कल। चलिए देखिए, युवा अमूमन जब कैमरे पर बोलने से अगर कतरा रहे हैं तो कई बार हो सकता है कि वोट देने से भी लोग कतराएं कुछ और। हालांकि अमूमन जिन लोगों से हम बात कर रहे थे वो अब चले गए, लेकिन ललित दो बातें स्पष्ट हैं कि यहाँ पर अगर हम समझें तो वोट ज़रूर देना चाहिए। अलग अलग तरह की कंडीशन सिचुएशन होती हैं, उस लिहाज से लोग बात भी करते हैं, समझते भी हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, दीपक से कहूँगा कि कैमरा मूव करें जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ हैं। वैसे भोपाल में वोटिंग होने वाली है कल, अवेयर होंगे आप, वोटर है आपका भोपाल में, वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 100% देना चाहिए, वोट देने जाएंगे, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का। संदेश जरूर जाना चाहिए कि कम से कम वोट लोग जरूर दें, जिसे भी देना है वोट तो देना चाहिए। कम से कम मताधिकार जो इतना बड़ा मिला हुआ उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। वक्त की कमी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। इधर मतदान कराने के लिए जो टीम है, मतदान कर्मी है, वो रवाना हो चुके हैं। कल 9 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें मुरैना है, भिंड है, ग्वालियर है, गुना है, सागर है, विदिशा है, भोपाल है, राजगढ़ और बैतूल। एक तरफ गर्मी की तपन है, दूसरी तरफ देश की सरकार चुनने का समय। न्यूज 18 आपसे अपील करता है, अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें ताकि देश की सरकार चुनने में आप भी भागीदार बने। ये जो सारी टीम, ये जो सारी मशीनरी, ये करोड़ों का जो खर्च है आप ही के पैसे से है, पर ये जो करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि आप एक बेहतरीन सरकार चुने। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, मुरैना, भोपाल, आगर मालवा, शिवपुरी की तस्वीरें, ये सभी इसी मेहनत से लगे हुए हैं। ये जो सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम है ये सब आपके लिए है। इस गर्मी, इस 42 डिग्री, इस 38 डिग्री, इस 40 डिग्री से मत डरिए। मतदाताओं की इस भीड़ को देखिए, इसके मन में क्या है वो कोई नहीं जानता, किसे ये अपना नेता चुनने जा रहे हैं नहीं कह सकते। मतदान के दौरान इनके मन में कौन है, पार्टी या चेहरा, ये सिर्फ खुद जानते हैं। एक तरफ रैलियों का शोर है, आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन वो मुद्दे गायब हैं जिन्हें लेकर आम लोग वोट करते हैं। यही वजह है कि देश की सरकार चुनने वाला मतदाता खामोश है, और उसकी खामोशी का असर पिछले दो चरण में देखने को मिला है। दो फेज में घटता हुआ मतदान काफी कुछ कह रहा है। राजनीतिक दल गर्मी और शादी ब्याह को मतदान में कमी का कारण बता रहे हैं, लेकिन असल वजह क्या है वो तो वोटर ही जानता है। क्या कोई नाराजगी है या फिर चेहरे को लेकर कोई सवाल है? मतदाता क्या चाहता है उसका अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए से राजनीति के दांव और पेच समझ रहा है लेकिन चुप है। उसकी ये चुप्पी मतदान के जरिए सामने आएगी। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर नेताओं की किस्मत दांव पर है और फैसला इसी भीड़ को करना है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नेताजी की किस्मत का फैसला होगा, और ये फैसला करेगा मतदाता का एक एक वोट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ 5 की आज में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।